Okay, our next speaker is the chairperson of CPS International, Professor Farida Khanum. As we all know that she's dedicated her entire life for this mission. In fact, the translation of Maulana's ideology, which has been made possible in English so that the literature gets available and understandable to an international audience, that is all because of the efforts of Professor Farida Khanum. She is indeed a great blessing for our mission. So I would request Professor Farida Khanum to come here and say a few words. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bahut zyada khushi ho rahi hai ki aaj ek na sirf balki ye sirf all india conference nahi hai balki isko hum bain aqwami conference keh sakte hain kyunki bahut sare logon ne apne paighamat bheje hain और सारी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं तो मुझे याद आता है कि किस तरीके से अर्रसाला मिशन शुरू हुआ सिर्फ चंद लोग थे जिन्होंने अर्रसाला मिशन शुरू किया और चंद सपोर्टर थे इतना ज़्यादा मुखालफतें हुई कि कोई इश्तहार भी छापने के लिए तैयार नहीं था लोग समझते थे मुखालफत करके इस मिशन को ख़त्म कर देंगे तो इतनी ज़बरदस्त मुखालफत हुई कि एक बार मौलाना बर्मिंघम में गए हुए थे किसी मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो उनके ख़िलाफ़ वहाँ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था पैम्फलेट उनके ख़िलाफ़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो सारी दुनिया में मुखालफत हुई और उसके बावजूद हमारा मिशन आज सारी दुनिया में फैल गया तो ये इस बात का सबूत है कि ये इस मिशन में अल्लाह ताला का पूरी पूरी मदद शामिल है वरना इतने सारे लोग जो हैं इस मिशन में शामिल ना होते क्योंकि इसमें कोई दुनिया का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए ये लोग जो हैं इस मिशन में जुड़े हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मिशन है क्या क्योंकि सारी दुनिया में ये हो रहा था कि लोग सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं पहले भी कर रहे थे और आज भी सिर्फ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ तक कि उन्होंने ट्रांसलेशन भी ऐसी गलत कर रखा है कि जहाँ मुस्लिम का लफ्ज़ आया है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के माने में ले रहे हैं मतलब मुस्लिम बाय बर्थ जबकि कुरान में मुस्लिम आया है दोज हु सरेंडर टू गॉड कोई भी हो जो खुदा को के आगे सरेंडर करे तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो कुरान के ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो समझते हैं ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो सारे तर्जुमे आप उसको चेक कर सकते हैं हर तर्जुमे में ऐसे ही है जहाँ जिहाद का लफ्ज़ होगा तो जिहाद के माने मेहनत करना खुदा की राह में मेहनत करना इबादत में मेहनत करना खुदा की मार्फत हासिल करने में मेहनत करना लेकिन हर जगह उसको जिहाद को फाइट के माने में किया है तो अब मुसलमानों को हो सकता है वो अच्छा लगे लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए वो सारे कुरान के ट्रांसलेशन जो हैं वो उनको समझ में ही नहीं आते थे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुरान तो हमारी समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो उनके उनके माइंडसेट के मुताबिक नहीं थे तो कुरान क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको सारी दुनिया में पहुंचाएं जैसा कि हम सबको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं कुरान आखिरी किताब है अल्लाह ताला की और ये तमाम जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको हमें खुदा का पैगाम पहुँचाना है तो पैगाम हम किस तरीके से पहुंचाएंगे तो पैगाम उसी तरीके से पहुंचाएंगे जिस तरीके से कि वो उसका पहुंचाने का हक़ है तो ये खुदा एक हदीस है जो अभी मौलाना ने बताई कि खुदा का कलमा सारी दुनिया में पहुंच जाएगा चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो तो इसमें हमें काम करना है इसको जैसे मौलाना ने कहा है कि हमें ह्यूमन फेस बनना है ये काम तो खुदा का है खुदा लेकिन फरिश्तों को बिल्कुल इस तरीके से नहीं भेजता है कि वो जो पर्दा इल्तिबास है वो ख़त्म हो जाए तो इस वजह से हमें सामने आना है लेकिन मदद तो हमारी फरिश्ते कर रहे हैं क्योंकि अगर फरिश्तों की मदद ना होती तो कभी भी ये मिशन जो है इतनी तेज़ी से सारी दुनिया में नहीं फैल सकता था तो अब चूँकि ऐसा लगता है बहुत सारे साइंस के ऐसी डिस्कवरीज आ रही हैं कि आखिरी ज़माना बहुत करीब आ गया है तो ये जो प्रिडिक्शन थी कि आखिरी ज़माने में ये खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंच जाएगा पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खुदा के क्रिएशन प्लान के मुताबिक है कि
कि उसको इंसान को बताया जाए कि वो इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, कि इस दुनिया में इंसान को आज़ादी दी गई है और लेकिन उसके सामने हिदायत का रास्ता रखा गया है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके अपनी आज़ादी का, कि वो चाहे सच्चा रास्ता इख्तियार करे चाहे गलत रास्ता इख्तियार करे। तो इसके लिए उसको उसकी ज़बान में खुदा का पैगाम पहुंचाना है। तो ये इसके लिए यहाँ पर पूरी एक मुहिम चल रही है कि हर ज़बान में कुरान ट्रांसलेशन आ जाए और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आ जाए। तो इसमें चूँकि इंग्लिश में मैंने भी हिस्सा लिया था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें क्या हमारे ट्रांसलेशन में क्या ख़ास बात है। तो एक तो यही है कि लोग कहते हैं कि बहुत ही आसान ज़बान में है। एक अंग्रेज़ औरत ने एक बार कहा कि आई कैन रीड द कुरान लाइक अ मैगज़ीन, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुरान तो मेरी समझ में आता है। एक रबाई जो नसीम एज़ेकिल रबाई हैं दिल्ली में, तो उनको जब हमने कुरान दिया तो थोड़ी देर वो देखते रहे, उसको एक कॉन्फ्रेंस में दिया था, फिर उसके बाद कहने लगे कि आई कैन अंडरस्टैंड द कुरान। मतलब उनको लगता था कि कुरान अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं है। एक तो वो आउटडेटेड लैंग्वेज होती है, दूसरे वो अजीब गरीब हर कॉन्सेप्ट उन्होंने उसको गलत प्रेजेंट किया, जैसे जिहाद का कॉन्सेप्ट, मुस्लिम का कॉन्सेप्ट। ऐसी चूँकि हम आज के लोग पीस चाहते हैं, पीसफुल हालात चाहते हैं। अब हर वक्त जब आप जिहाद की बात करेंगे तो आजकल के इंसान को समझ में नहीं आता कि ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है, कैसी स्पिरिचुअल बुक है जो सिर्फ जिहाद की बात करती है। जिहाद तो उस वक्त था जबकि ट्राइबल एज था, हर आदमी हर ग्रुप जो है वो जंग करता था, जंग के बगैर कुछ मिलता नहीं था। तो वो ज़माना अब ख़त्म हो गया, अब तो आज़ादी का ज़माना है। तो अब तमाम लोग आज़ादी के इस्तलाहों में सोचते हैं, तो जब उनको देखते हैं कुरान में कि हर वक्त बस फाइटिंग फाइटिंग, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसा कुरान है। तो वो कहने लगे कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ वायलेंस। तो इसमें मैं एक तो वो ज़हूर भाई का जो अभी बता रहे थे, तो उनका ये इसमें ये है कि वो एक पास्टर हैं जो 30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं न्यूज़ीलैंड में, टिम रोज़ उनका नाम है। तो उन्होंने कहा द वे दिस इज़ ट्रांसलेटेड इज़ एक्चुअली मोर एग्रीएबल मोर पैलेटेबल टू द इंग्लिश माइंडसेट, क्योंकि आज के ज़माने का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो पीसफुल लाइन्स में समझता है, वो मज़हब को एक स्पिरिचुअल साइंस समझता है, स्पिरिचुअल रिलीजन समझता है, ना कि जंग का रिलीजन। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर शायद हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसमें एक कुरान की एक आयत है सूरह बकरा में, इसमें हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की दुआ की ये अल्फाज हैं, ऐ हमारे रब, और इनमें इन्हीं का जब वो काबा की तामीर कर रहे थे उस वक्त उन्होंने ये दुआ किया था, इन्हीं का एक रसूल उठा जो उनको तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनका तस्किया करे। अब इसका तर्जमा अब्दुल्ला यूसुफ़ अली ने किया है, हु शैल रिहर्स योर साइंस। अब ना रिहर्स किसी को समझ में आएगा, ना साइंस किसी को समझ में आएगा, जबकि हमारे तर्जुमे में है कि हु शैल रिसाइट योर रिवेलेशंस टू देम एंड प्योरीफाई देम। प्योरीफाई का उन्होंने सैंक्टिफाई किया है, वो भी समझ में नहीं आता सैंक्टिफाई क्या माने हैं। फिर इसी तरीके से तो तकरीबन हर पेज में आपको मिल जाएगा, तो सूरह ज़ुमर की एक आयत है जब शैतान चैलेंज करता है कि मैं तमाम इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, उसके बाद ये अल्फाज हैं बजुस तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। इसका तर्जमा अब्दुल्ला यूसुफ अली ने इस तरह किया है, एक्सेप्ट दाई सर्वेंट्स अमंगस्ट देम सिंसियर एंड प्योरीफाइड। अब ये सिंसियर एंड प्योरीफाइड, अब लोग कहेंगे कि भाई दूसरे लोगों ने क्या गलती की है कि सिंसियर एंड प्योरीफाइड दूसरे लोग नहीं हैं। तो ये चोजन का है कि जो लोग सचमुच दिल से अल्लाह ताला की राह में चलने की पूरी कोशिश करेंगे, जिहाद करेंगे स्ट्राइव के माने में, तो अल्लाह ताला उनको चूज़ कर लेगा। तो चूज़ कोई डिस्क्रिमिनेशन की बिना पर नहीं होता, बल्कि हमारा जज्बा हमारी नीयत देखी जाती है कि हम किस तरीके से दीन का काम करने के लिए हमारे अंदर कितना जज्बा है
तो अल्लाह ताला चूज़ कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जिहाद का लफ्ज़ बार बार फाइटिंग फाइटिंग आया है। अब जिहाद बिल कुरान है, फाइट विद द कुरान। अब कुरान के साथ कैसे फाइट करेंगे? अब हम करते हैं कि स्ट्राइव विद द कुरान, यानी कुरान के मैसेज को फैलाओ सारी दुनिया में। तो ये जो है वो लोगों को समझ में आता है, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है, तो उसमें लोगों की समझ में आता है। बेहिसाब लोग बहुत ज़्यादा ये मकबूल हो रहा है, ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि वो उनको समझ में आता है, वो उनके माइंडसेट के मुताबिक है। तो मैं यही दुआ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दें कि आप लोग अपने आखिरी दम तक इस मिशन में लगे रहें, क्योंकि ये मिशन अल्लाह का मिशन है, और ये यही मिशन है जिस पर चल कर हम खुदा की जन्नत के मुस्तहिक करार पाते हैं। जब तक हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सारी दुनिया में कुरान को पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। कोई एक आदमी नहीं कुरान को सारी दुनिया में पहुंचा सकता। तो जब तक के सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। और मिलकर काम करने पर खुदा की बहुत ज़्यादा मदद आती है, और ये काम खुदा की मदद के बगैर नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जिस तरीके से आज तक लगे हुए हैं काम में, उसी तरीके से अपने आखिरी वक्त तक, आखिरी सांसों तक इस मिशन में लगे रहें। अस्सलामु अलैकुम।